दिल से शुक्रिया आपका, कांग्रेचुलेशन टू अस। तो आपको बस आज मोटर ब्लॉग ही देखने को मिलेगा। ओहो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल बहुत दिनों के बाद आज अच्छी धूप निकली हुई है और निकलने का मौसम हो रहा है। मतलब बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था कि कहीं राइड में जाया जाए। बहुत टाइम से ओरा लगा हुआ था, निकलने का हो नहीं पा रहा था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद धूप निकली है काफ़ी अच्छी सी, और इसको देखो सीधे आगे बढ़ा के खेलने लग गया है। हाँ बिट्टू, तो बहुत समय से मैं सोच रहा था नैनीताल जाने की। मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है नैनीताल में कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है करके। बहुत टाइम से गया नहीं था ना मैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद ही बर्फ़ पड़ने वाली है। मौसम तो हो रहा है वैसे, एक दो दिन पहले बारिश भी आई थी, तो पता नहीं बर्फ़ कब पड़ती है। मेरा फ्रेंड आया नैनीताल से, वो कह रहा था नैनीताल जाते हैं साथ में और थोड़ा घूमेंगे, तो मस्त करके आज जाते हैं। और वो आने वाला है 10-15 मिनट में, और मैं अभी तक रेडी नहीं हुआ हूँ। बस मैं उठ के ब्रश किया है, बस मैंने बस कुछ नहीं किया, इसने मेरे को कुछ नहीं करने दिया है। सुबह से खेलने में लगा हुआ है छत में आके पास। तो आपके लिए एक गुड न्यूज भी है और मेरे को बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे, मिलते सीधे आपसे गोप्रो में। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो दोबारा से इंट्रो कर लिया हमने, और फिलहाल अभी बज रहा है 8:30। तो बच्चों लोगों का स्कूल चल रहा है आजकल, इंस्पिरेशन अपना स्कूल, तो हमने इसे पढ़ा हुआ है। इंस्पिरेशन इज माई हार्ट, इंस्पिरेशन इज माई सोल, यस। सो एनीवेज, फाइनली मेरा फ्रेंड भी रेडी होके आ ही रहा है बस। तो वो कालू साहिब मंदिर पहुँचा हुआ है, और मेरे को जाना है KFC, तो मैं थोड़ा घूमते हुए जा रहा हूँ, बिकॉज उसको टाइम लगने वाला है, थोड़ा 5-10 मिनट लग जाएगा उसको आने में। तो मैं भी थोड़ा टहल लूँगा इधर उधर, तो इसलिए थोड़ा मैं घूम के जा रहा हूँ। और यार आपसे बहुत सारी बातें भी करनी थी मेरे को, पहले फ्रेंड मिलता है फिर उसके बाद आपसे बातें करते हैं 2-4, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो भी चल रही थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हमारे साथ और जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं करी अभी तक। तो फॉर एवरीथिंग यार, थैंक यू सो मच। आगे चल के बात करते हैं, मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ से मोड़ लेते हैं गाड़ी को, तो 2 मिनट वेट करते हैं फ्रेंड का आने वाला होगा बस। तुम्हारी नेकेड बाइक कैसी लग रही है बताओ। मैं इसको दोबारा से ना अगले हफ्ते तक मैं इसको पूरी टूरिंग बाइक बनाने वाला हूँ, जैसी पहली थी और उससे और अच्छी, मतलब पूरी फुल टूरिंग बाइक। वाइजर भी मैंने ऑर्डर कर दिया वैसे अच्छा वाला, और पूरी फुल टूरिंग बाइक बना देंगे इसको। मैंने सोचा ही था लेट हो ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी सुबह ठंडा हो रहा था, तो मैं लग रहा होगा ठंडा है। नहीं, मैं उठ गया था 7:30 बजे तक, मैंने कहा तुम्हें सीधे फ़ोन करा, आओ फिर चलो लेट्स गो। तो फिलहाल प्लान हमारा ये बना है कि हम जाने वाले हैं थोड़ा सा मैगी पॉइंट की तरफ को, थोड़ा ये चाय पी लेंगे, मैं लेमन टी पी लूँगा, और उसके बाद सीधे नैनीताल को चल देंगे। हाँ, नैनीताल में काफ़ी टाइम से गया नहीं, और कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सीन देख लेंगे, क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ने वाली है। तो सीधे मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन बर्फ़ पड़ेगी उसके एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ऐसा है ना सीन, हमें बर्फ़ देखनी है इस बार गिरते हुए, और थोड़ा पंगोड़ साइड जाएंगे बाइक लेके। वी हैव अचीव 1K सब्सक्राइबर्स, और मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाया, तो यार दिल से शुक्रिया आपका। सो एनीवेज, भाई के साथ राइड करते हैं, आपसे आगे मिलते हैं थोड़ी देर में, आपसे फेस टू फेस बात करनी है 2-4। हमारे साथ आई है ड्यूक 390, तो इसका फुल कंपैरिजन होने वाला है। तो आज फाइनली हम दोनों का फुल पोटेंशियल जानने वाले हैं, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आ गए हम काठगाम पे, भाई धूप कितनी बढ़िया निकल रही है यार। तो आपको बस आज मोटर ब्लॉग ही देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। आज मैं पूरा दिन हेलमेट ही पहनने वाला हूँ, हेलमेट निकालने नहीं वाला हूँ। मेरे को दिल से आपसे कुछ बात करनी थी, तो चलते हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी आ ही रहा है बस, शायद वो पेट्रोल डालने रुका हुआ है। तो मेरे को आपसे बातें करनी थी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे बोल नहीं पाया। वैसे वी हैव कम्प्लीटेड 1K सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू सो मच, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस। तो मतलब यार साथ में करा है हम सब ने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेरे को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ फीलिंग, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी आपने इतना सपोर्ट किया और ये चीज़ें। बट थोड़ी बहुत ऐसा है कि मैं थोड़ी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच यार और बीइंग देयर फॉर मी। अभी तो काफ़ी छोटा सा माइलस्टोन हमने कंप्लीट करा है, अभी काफ़ी और करना है,
तो अभी तो काफ़ी चीज़ें बाकी है। तो इस बार सोचा काफ़ी एडवेंचरस चीज़ करने का और काफ़ी सारे प्लान्स हैं। और इस साल जो हम कर नहीं पाए, तो इस साल हम काफ़ी चीज़ें करने वाले कवर, ऐसे साथ चलेंगे। और अभी तो काफ़ी दूर जाना है, अभी तो हमारे 1K सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये चैनल में कुछ भी चाहते हो ना, मतलब कुछ भी देखना चाहते हो, जहाँ मैं जाऊँ, जो भी जगह देखना चाहते हो, बस कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है और हाँ वहाँ आप कमेंट कर सकते हो कुछ भी, मतलब कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। तो अपनी दोनों बाइक यहाँ पे आ चुकी है, हम आए दीपुदा मैगी पॉइंट। मेरा कैमरा डेड हो चुका था, इसको चार्ज करना है, चार्ज में लगाते हैं और दीपुदा चलते हैं। सुबह सुबह की शुरुआत अगर दीपुदा की लेमन टी से हो जाए ना, तो मज़ा आ जाता है। अम्मा चलो लेमन टी सब पी ली, अब चलते हैं सीधे नैनीताल की तरफ को। मौसम देखना यार मेरे को कैसा हो रहा है, मौसम बर्फ़ पड़ने वाला हो रहा है या नहीं हो रहा है, कब पड़ेगी बर्फ़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। तो है प्लान स्नो राइड का और काफ़ी चीज़ें का प्लान है। तो हम आ चुके हैं अपनी प्यारी ड्यूक 390 में। वो अब हमने खाना पीना भी खा ही लिया है और पेट भी भर गया हमारा, अब सीधे जाएंगे हम नैनीताल जाके रुकेंगे। भाई काफ़ी टाइम से राइड का प्लान कर रहा था, आ जाएगा मज़ा। भाई ड्यूक में बैठने के बाद ना किसी बाइक में बैठने का मन ही नहीं करता, पता है। अगर मैं पहाड़ों में चलाने के बारे में बात करूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि कभी भी ब्लाइंड में ओवरटेक मत लेना, बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अपनी बाइक भी बढ़िया लग रही है यार, नाइस। मैं हमेशा अपनी बाइक चलाता हूँ ना, तो उतना पता नहीं चलता है कि लुक कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है करके, बट अच्छी लग रही है बाइक अपनी भी। हाँ अपनी बाइक में आ गए। मेरा ये प्लान भी बन सकता है कि मैं आज नैनीताल में रुक जाऊँ, कुछ पता नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन मन तो यही कर रहा है कि सीधे नैनीताल पहुँच जाए। हाँ मैंने कहा यार कि रुकते रुकते जाएंगे ना यार। तो यहाँ से नैनीताल है 16 किलोमीटर और अल्मोड़ा 69, कर्णप्रयाग 236 किलोमीटर है फिलहाल। यहाँ को जाना कि यहाँ को जाना बताओ यार। रोड में आता है ना मज़ा, काफ़ी रोड सीधी है यार ये। वो देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है नीचे। मेरे को ना ड्यूक की आदत हो गई है, तो हल्का फुल्का मेरे दिमाग में ड्यूक ही चल रही है अभी, तो इसमें अभी हाथ बैठ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे ही होता है मेरे साथ, पता है। एक में हाथ सेट हो जाता है ना, फिर सेट हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम लगता है। वो बहुत दिनों के बाद पहाड़ में आ रहा हूँ मैं। तो हम एक जगह पर रुके हुए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। जय श्री राम। तो हमने कहा कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। हमारा ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें वहीं जाना है या यहीं जाना है, तो हम घूमते फिरते जा रहे हैं हम नैनीताल की तरफ को। यहाँ से नैनीताल को निकलता है ना, लंबा हो जाता है ना काफ़ी। कितना? 16 का 32। बाप रे काफ़ी दूर है यार। पहुँच ही गए घूमते फिरते नैनीताल। नैनीताल यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है। भाई नैनीताल में आके ना अलग ही ठंडा हो जाता है, मस्त। फाइनली वी आर एट नैनीताल। इस बार का मौसम तो सही हो रहा है भाई, मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ नैनीताल। ओहो बोटिंग कर रहे हैं भाई। नैनीताल में ना वाइब आती है, वाइब डेली, मतलब कितने सालों से आ रहे हैं तभी मन नहीं भरता भाई नैनीताल आने में। नैनीताल की रोड ले लो, मान रोड ले लो, घूमते रहो भाई नैनीताल में, मज़ा आ जाता है।
कहीं पे और बातचीत करते हैं आपसे और कुछ खाते पीते हैं यार। फिलहाल प्लान है थोड़ा सा हिमालय दर्शन जाने का, थोड़ा व्यू देखने के लिए स्नो व्यू पॉइंट में। देखो क्या होता है भाई यहाँ पे ना, वही जना बंदा चलाएगा इसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो बंदा ना ही आए जिसको एक्सपीरियंस ना हो भाई। यहाँ पे ऐसे सांप टर्न्स है ना, मैं यहाँ पे एक दो बार गिरा हूँ, मेरे को याद है तब मैं बोल रहा हूँ। आप देख रहे हो कैसे ढलान है यहाँ पे, रिस्की तो उसमें लगता है जब ढलान में यू टर्न आ जाता है। तो चलो मिलते हैं फिर। ओके हाँ, तो भाई अपने बाइक चला रहे हैं 390। लक्की भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। आज वैसे हम कुछ प्लान करके नहीं आए थे ना कि यहाँ यहाँ जाएंगे करके, खाली ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रह गए ना है ना, जैसे पंगोट साइड घूमने का प्लान नहीं था, कुछ प्लान ही नहीं था आज ना। तो ये कह तो रहा था मैंने पंगोट को फिर यार, हाँ टाइम लग जाता ना वही, लेकिन वही ना हम प्लान बना के नहीं आए थे कि पंगोट जाना ही है। तभी तुम्हारे माइंड में आया नहीं कि यार क्या करेंगे वहाँ का। फिर हमने कहा, फिर मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था नैनीताल में बैठने का ही मन कर रहा था। हाँ एक तो 7 बजे से हम निकले हुए हैं ना और कंटिन्यू चलाने में लगे हैं तब से। तो अभी हम बैठे हुए थे थोड़ा चाय वाय लेमन टी वेमन टी पीने और यहाँ से सनसेट हो रहा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखो कितने पेड़ कितने बढ़े लग रहे हैं। तो कोहरा आने लग गया, अब फोक ठंडा होने लग गया। अभी बज रहा है 5:30 और निकलते हैं सीधे अब। चलो लेट्स गो यार, क्या मस्त सनसेट हुआ यार। अभी थोड़ी देर बैठे थे हम सनसेट देखने के लिए और अब चल रहे हैं घर को। कितना मस्त सनसेट हो रहा है अभी, वो तो भाई लोग अभी मेरे को छोड़ने आ रहे हैं। तो यार मैं तो घर आ गया था 8 बजे करीबन, मतलब लेट हो गया था, 8:30 बज चुका था रात को। और मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कल आते समय, क्योंकि ना यार मैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि कुछ ठंडा मौसम मिलेगा, बर्फ़ वर्फ़ वाला सीन मिलेगा। बट मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि यार बर्फ़ का क्या सीन है, लोग मेरे से बोल रहे थे तो क्या कह रहे थे कि इस बार मुश्किल है बर्फ़ पड़ना। तो यार बहुत काफ़ी बुरा लगा, लेकिन हम जाएंगे जब बर्फ़ पड़ेगी। तो इतना ही रखते हैं वीडियो के लिए, तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।